एक फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए हमें ये सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेंगे। और देखिए, जब मैंने एंटर प्रेस किया, बाकी सारे डिटेल्स वो फुलफिल कर चुके हैं। हाय एवरीबॉडी, दिस इज ऋतुराज और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वहां पर हम समझेंगे कैसे हम रॉ मटेरियल्स को बाहर से खरीद के ला रहे हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, एक फिनिश्ड गुड बना रहे हैं एंड उसी को ही हम मार्केट में लॉन्च करने वाले। ये जो पूरा प्रोसेस है, कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे टेलीप्राइम में, वही हम समझने वाले आज के इस वीडियो में। सो वीडियो में बने रहे अंत तक विद दिस केस स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम इस केस स्टडी को एनालाइज करेंगे। देखिए क्या है, केबल, रैम, हार्ड डिस्क, लैन कार्ड, कैबिनेट, ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि यूज होने वाले हैं टू मेक द फिनिश गुड। और जो हम फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है CPU। ये वो फाइनल गुड है या प्रोडक्ट है जिसके साथ हम डील करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं एंड RS टेक कंपनी का हम अकाउंटिंग मैनेज करने वाले हैं। तो आपका पहला काम ये रहेगा, इस कंपनी, इस नाम से आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। डन, कूल। तो हम डायरेक्टली वाउचर एंट्रीज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। सो टू डू वाउचर एंट्रीज, प्रेस बटन V फ्रॉम कीबोर्ड। तो पहला ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने अभी जस्ट कंपनी क्रिएट किया है, स्टार्ट किया है, तो कैपिटल इज वेरी मच नीडेड। तो बिजनेस में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। दो मीडियम से हम कैपिटल ला रहे हैं बिजनेस में, फर्स्ट कैश के मीडियम में, सेकंड बैंक के मीडियम में, अकाउंट। तो पहले देखिए, हम कैश के फॉर्म में ला रहे हैं, तो अकाउंट में होगा कैश। किस फॉर्म में ला रहे हैं, कैश के फॉर्म में ला रहे हैं, तो इसलिए होगा ये कैश। और पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब क्या, कैश के फॉर्म में ला रहे हैं पर क्या ला रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स में होगा कैपिटल। हम अभी तक लेजर क्रिएट किया नहीं है, Alt प्लस C प्रेस कीजिए फॉर सेकेंडरी लेजर क्रिएशन और यहाँ पर लिखिए कैपिटल। देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, कैपिटल होगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में, तो लिखिए कैपिटल। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है, आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड एंटर, और कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट हम बैंक के फॉर्म में ला रहे हैं कैपिटल। जो कैपिटल हम ला रहे हैं किस फॉर्म में ला रहे हैं, बैंक के फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये अकाउंट में होगा बैंक SBI। सिमिलर क्रिएटेड है नहीं, Alt प्लस C प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्रिएट कीजिए SBI लेजर, और आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुँचना है। बैंक होगा आपका बैंक अकाउंट के अंडर में, BA आ चुका है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए इसे सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है। गुड, और यहाँ पर लिखिएगा कैपिटल, एंटर। कितना ला रहे हैं, 8 लैक्स, वेरी गुड। देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना। आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर दीजिए। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैपिटल क्यों, राइट, क्योंकि बेसिकली इस आज दो डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहे हैं। फर्स्ट है परचेस डिपार्टमेंट एंड नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट का काम यह है कि कितने कम से कम पैसे में हम रॉ मटेरियल्स खरीद के ला सकते हैं, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम यह रहेगा कि उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, राइट, ओके। देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट देखिए, हम डिजिटेक कंप्यूटर्स से ये सारे रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस वाउचर में। F9 प्रेस करके हम परचेस वाउचर ओपन करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसका मतलब क्या होता है, ये है आपका बिल नंबर, और देखिए बिल नंबर कितना गिवन है, DGT01, लिख दीजिए DGT01। देन आपको एंटर करते हुए, ये 1 अप्रैल ही होगा, फिर आपको एंटर प्रेस करना है। अब पार्टी अकाउंट नेम किससे खरीद रहे हैं, डिजिटेक कंप्यूटर से। सिमिलर पार्टी क्रिएटेड है नहीं, Alt प्लस C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए डिजिटेक कंप्यूटर। देन आपको एंटर करते हुए ये अंडर तक पहुंचना है, जिससे हम सामान खरीदते हैं, होगा हमारे लिए वेरी गुड सनरिक क्रेडिटर्स, लेकिन यहाँ पर ACU। और देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका, आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और आपको कुछ नहीं करना है, आप कंट्रोल लेकर इसे ऑटो सेव कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल ले प्रेस करना है। फिर से आइटम्स हम क्या क्या खरीद रहे हैं, पहला देखिए कैबिनेट खरीद रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पर कैबिनेट CA, ओके। हमने अभी तक स्टॉक आइटम्स अभी तक क्रिएट किया नहीं है, आपको अपैरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है एंटर। इसका अल्टरनेट क्या है, Alt प्लस C प्रेस कर सकते हैं फॉर सेकेंडरी स्टॉक आइटम क्रिएशन, और यहाँ पर लिखिएगा पहला आइटम जो है वो है कैबिनेट। कैबिनेट हम खरीद रहे हैं, आपको एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है, और ये हम जो मेजर करने वाले, देखिए किस में मेजर कर रहे हैं हम, यार ये पीसेस में मेजर किया जा रहा है, तो आपको इस पे अपैरो की प्रेस करना है, क्रिएट को सिलेक्ट करना है एंटर, और यहाँ पर लिखिए PCS। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स वो, ये वो टर्म है जिससे हम कोई भी सामान को मेजर कर सकते हैं, राइट।
ये होगा आपका पीसीएस, पीसी, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। और देखिए हम कितना खरीद रहे हैं, 20 पीसेस, तो यहाँ पर लिखिए 20। कितना में खरीद रहे हैं कैबिनेट, देखिए 1050 रुपीज़ पे, लिख दीजिए 1050, एंटर प्रेस करना है। और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका परचेस, आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिख कीजिए परचेस का लेजर क्रिएट, एंटर करते हुए अंडर तक पहुँचना है, ये होगा आपका परचेस अकाउंट के अंडर में, लिख दीजिए और आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है। गॉट इट, एंटर। नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं, डीवीडी, ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए फॉर सेकेंडरी स्टॉक आइटम क्रिएशन, और यहाँ पर लिखे डीवीडी, और आपको एंटर करते हुए सिमिलर यूनिट्स तक पहुँचना है और इसको आपको पीसीएस सिलेक्ट कर लेना है, एंटर, और आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। और देखिए हम कितना खरीद रहे हैं, 40 पीसेस, वो 40 ऑफ ₹900। अच्छा, एंटर एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, ये होगा आपका परचेस, एंटर। और नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं, रैम खरीद रहे हैं, ऑल्ट प्लस सी रैम, एंटर करते हुए सिमिलर ये यूनिट्स तक पहुंचना है, पीसीएस सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल ए, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। और देखिए रैम कितना खरीद रहे हैं हम, 40 पीसेस, 40, एंटर, कितना करके है रैम ऑफ ₹750, ओके, और आपको एंटर करते हुए इसे, ये होगा आपका परचेज, सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है और देखिए वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। देन आपको एंटर करते हुए, हाँ, रैम के बाद क्या खरीद रहे हैं, हार्ड डिस्क, ऑल्ट प्लस सी हार्ड डिस्क, HARDDISK, एंटर एंटर करते हुए सिमिलर आपको यूनिट्स तक पहुंचना है, पीसीएस सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल ए, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। हार्ड डिस्क कितना खरीद रहे हैं, 40 ही खरीद रहे हैं। हार्ड डिस्क का अमाउंट कितना है, 3500, 3500, एंटर एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, ये होगा आपका परचेज, एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। लैन कार्ड सिमिलर, ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए लैन कार्ड, LANCARD, लैन कार्ड, एंटर करते हुए आपको यूनिट्स तक पहुँचना है, ये है आपका पीसेस कंट्रोल ए। लैन कार्ड हम कितना पीस खरीद रहे हैं, देखिए 35 पीसेस लैन कार्ड खरीद रहे हैं, लिख दीजिए ऑफ ₹1500, कूल, और आपको एंटर करते हुए फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, ये होगा परचेस, एंटर एंटर। और जो लास्ट जो आइटम खरीद रहे हैं वो है केबल, ऑल्ट प्लस सी और क्रिएट कीजिए स्टॉक केबल, CABLE, ये सब, ये सारे क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स है, वेरी गुड, और आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। और केबल हम कितना खरीद रहे हैं, देखिए 100 पीसेस, एंटर ऑफ ₹150, देन आपको एंटर करते हुए इसे, ये होगा आपका परचेज, एंटर, और आपको एंटर करते हुए ये आप नो कर दीजिए, एंटर करते हुए ये होगा आपका न्यू रेफरेंस, ऑफ कोर्स, एंटर। और देखिए ऑलरेडी आ चुका है हमारा जो न्यू रेफरेंस, वो है DGT01, जो कि वे हमें इशू कर रहे हैं, कौन, डिजिटेक कंप्यूटर, यस। और आपको ये कुछ मत कीजिए, आप इसे एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। पेजअप की प्रेस कीजिए और देखिए हमने 2,94,500 रुपीज़ का सामान खरीदा है। अब हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं, राइट, यस। F5 प्रेस कीजिए पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए, और हम सोच लेते हैं उनको इतने सारे अमाउंट तो कैश में नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम उसको बैंक में पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर लिखे बैंक, SBI से तो पेमेंट कर रहे हैं, पर किसको कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स में होगा डिजिटेक कंप्यूटर, डी और एंटर, और उसको कितना पेमेंट करना है, और देखिए यहाँ पर लिखा हो आ गया है 2,94,500 को एंटर करते हुए, ये होगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि उसने जो हमें रेफरेंस, जो उन्होंने जो हमें बिल दिया था उसी के अगेंस्ट में हम उनको पैसा दे रहे हैं, राइट, तो ये होगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस। और देखिए वो बिल नंबर और जितने सारे बैलेंस सब आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर दीजिए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए अब हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, बट हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो 1 मई से हो रहा है, तो हमारा पहला काम ये रहेगा F2 प्रेस करके हमें डेट चेंज कर लेना है, तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F2 और यहाँ पर लिखिए 1.5 1 मई, ओके, पर हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है वो है CPU, मतलब जो जो रॉ मटेरियल्स मैंने खरीदा है उससे मैं बना रहा हूँ CPU, तो हमें एक काम करना है, CPU के नाम से हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है एंड वो CPU में कितने सारे हमारे रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उसको भी आपको उसी में रिकॉर्ड करना है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद, तो पहले हमें वो करना पड़ेगा, देन हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट। आपको एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, देन आपको सी प्रेस करना है और आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये स्टॉक आइटम तक पहुंचना है एंड एंटर, और यहां पर लिखिएगा CPU,
एंटर करते हुए ये आपको यूनिट्स तक पहुंचना है एंड ये होगा आपका पीसीएस, सिलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर। और देन आपको एंटर करते हुए देखिए एडिशनल डिटेल्स के नीचे सेट कंपोनेंट्स BOM आपको यहां तक पहुंचना है। अगर ये आपका स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है आपको सिंपली कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना है और जितने सारे डिटेल्स है फीचर्स है आपको सबको Y प्रेस करके यस कर देना है। गॉट इट? फिलहाल मेरा सब कुछ यस है, देन हम इसको एग्जिट एस्केप कर देते हैं, एस्केप की प्रेस कीजिए। देन आपको सेट कंपोनेंट्स तक पहुंचना है, ये बॉम्ब को सिलेक्ट कर लेना है और इसको Y प्रेस करके यस कर देना है। अब नेम ऑफ बॉम्ब मतलब हम क्या बना रहे हैं, CPU बना रहे हैं, राइट? तो यहां पर लिखिएगा CPU, एंटर। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कितने सारे आइटम्स का जरूरत पड़ने वाले है वही हम यहां पर करने वाले हैं। तो यूनिट टू मैन्युफैक्चर 1, अगर मैं एक यहां पर आप लिखिएगा 1 क्योंकि हम एक सीपीयू बनाने में हमें कितने सारे रॉ मटेरियल्स जरूरत होंगे वही आप यहां पर बेसिकली लिख रहे हैं। यहां पर लिखिएगा 1, एंटर। तो हमारा क्या क्या लग रहा है, कैबिनेट 1 लगेगा, यहां पर लिखिएगा 1, फिर आपको एंटर प्रेस करना है। केबल 1 लगेगा, यहां पर लिखिएगा 1, एंटर। डीवीडी 1 लगेगा, यहां पर लिखिएगा 1। हार्ड डिस्क भी 1 लगने वाला है, यहां पर लिखिए 1। लैन कार्ड 1 लगने वाला है, यहां पर लिखिए 1। और रैम 1 लगने वाला है, तो यहां पर लिखिए 1। इसका मतलब ये अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये कंपोनेंट नेम ऑफ द बॉम्ब नेम जो है वो है CPU, मतलब ये हमारा फिनिश्ड गुड्स है, ये फिनिश्ड गुड हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और ये फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए, एक फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए, दैट इज यूनिट ऑफ 1 यहां पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब एक फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए हमें ये सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेंगे और ये सारे रॉ मटेरियल्स एक एक हमें जरूरत पड़ेंगे एक CPU बनाने के लिए, इसका मतलब ये है। गॉट इट? ओके, देन आपको यहाँ पर एग्जिट एंड ऑफ लिस्ट कर देना है और आपको एंटर करते हुए फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है। अब एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। देन आपको अप एरो की प्रेस करते हुए वाउचर टाइप तक पहुंचना है एंड एंटर। अब हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट कर लेंगे। इसको क्रिएट करने का मेन मोटिव ये है कि सारे चीज को जैसे हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके या मेंटेन कर सके, लाइक हमने कितने सारे फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं, तो उतने सारे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल्स हमारा कंज्यूम हुआ है और आने वाला जो प्रोडक्शन होने वाला है उसके लिए और कितना जरूरत है, वो सब का रिकॉर्ड हमें ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिखाता है। और यहाँ पर लिखिएगा मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING। देन आपको एंटर करते हुए ये टाइप ऑफ वाउचर ये होगा आपका स्टॉक जर्नल। देन आपको एंटर करते हुए ये यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल तक पहुंचना है, इसे Y प्रेस करके यस कर देना क्योंकि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्शन कंपनी है। और आपको कंट्रोल करके इसे ऑटो सेव कर देना, आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। अब आपको डायरेक्टली वाउचर एंट्रेस करना है, V प्रेस कीजिए। अब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग वो जर्नल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+F7। देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो वाउचर हमने अभी जस्ट क्रिएट किया, आपको उसी को सिलेक्ट कर लेना है एंड एंटर। अब हम क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर रेफरेंस नंबर कुछ देने की जरूरत नहीं है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम, बोलिए CPU बना रहे हैं, वेरी गुड, लिखिए यहाँ पर CPU, एंटर। कुछ नहीं करना है, एंटर। कितना क्वांटिटी बना रहे हैं, 15 क्वांटिटीज, अभी फिलहाल हम 15 को ही बना रहे हैं, अभी तो फिलहाल 15 बना रहे हैं। देन आपको एंटर प्रेस करना है और देखिए जब मैंने एंटर प्रेस किया बाकी सारे डिटेल्स वो फुलफिल कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिटेल्स आया कहाँ से, जब मैंने बॉम्ब सिलेक्ट कर रहा था अभी इसके पहले का जो स्टेप हमने किया था स्टॉक आइटम्स में कि एक CPU बनाने के लिए हमें ये सारे रॉ मटेरियल्स एक एक यूनिट का जरूरत पड़ेगा, तो अभी हम जब 15 CPU बनाएंगे तब हमें 15 ये सारे चीज 15 यूनिट्स में जरूरत पड़ेंगे, वही यही लिखा हुआ है। ओके, देन आपको एंटर करते रहिए और टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट तक पहुंचना है, तो ये सारे हमारे खर्चे। और देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, तो हम टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15 प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? ये 15 CPU बनाने के लिए हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो है 1,17,750 और पर पीस का जो कॉस्ट आ रहा है वो है 7,850। देन आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में होगा, देखिए एक फैक्ट्री में अकेले जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं हमें बाकी जो लेबर वहां पर काम कर रहे हैं वो उन लोगों को भी हमें पेमेंट करना है और बाकी जो अलग
अदर स्टाफ्स है, क्रूज है, उन जो जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हमें कुछ पेमेंट करने होते हैं, राइट। तो ये सब को हम बोलते हैं असेंबल चार्जेस। तो ये सारे को हम बोलते हैं असेंबलिंग चार्जेस। तो आपको क्या करना है, इस नाम से आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। देखिए ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है, एंटर, यार यहाँ पर लिखिए असेंबलिंग चार्जेस, देन आपको एंटर करते हुए ये अंडर तक पहुंचना है। असेंबलिंग चार्जेस होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, और आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है। असेंबलिंग चार्जेस परसेंटेज में लिख देते हैं कि हमारा जितने सारे ये जितना हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ है उसमें हम 5% और जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए उनको जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो क्या हम अपने पॉकेट से देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो एक्सपेंसेस है हमारे वो सब भी इसमें ऐड हो जाता है जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, गॉट इट। तो ये आपको सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है, और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है 5887। देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, तो पर आइटम हमारा अभी पहले 7000 कितना था, अभी वो बढ़ के 8242 रुपीज हो गया है, और जो हमारा टोटल प्रोडक्शन में जो खर्च हुआ है वो है 1,23,637। ये हमारा टोटल खर्च हुआ है 15 कंप्यूटर्स को बनाने में असेंबलिंग चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद, देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब हमारा फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, अब हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे एंड देन सेल करेंगे। तो सिंपली नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, हम सेल्स कर रहे हैं, राइट। पर देखिए यहाँ पर हम जो सेल्स कर रहे हैं वो है 1st of June को, देन आपको सिंपली डेट चेंज करना है, F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए 1.6 एंड एंटर। और अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस करके हम सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम, किसको हम सेल कर रहे हैं, जयप्रकाश लिख दीजिए, जयप्रकाश। Alt+C प्रेस कीजिए क्योंकि हमारा लेजर क्रिएटेड है, यहाँ पर लिखिए जय, देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है। जो हमसे सामान खरीदे होगा हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स, वेरी गुड, तो लिखिए यहाँ पर सन्ड्री। और देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर, और आपको कंट्रोल करके ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको कंट्रोल प्रेस करना है, फिर से कंट्रोल प्रेस करना है। अब देखिए हम उनको क्या सेल कर रहे हैं, सीपीयू सेल कर रहे हैं, वेरी गुड, यहाँ पर लिखिए CP आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। ये देखिए साइड में लिखा हुआ है 15, मतलब हमने अभी आपको बोला कि हमने 15 सीपीयू मैन्युफैक्चर किया है, तो इसलिए हमारे पास अभी अवेलेबल है 15 हमारे गोडाउन में, राइट, ओके। आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है, और देखिए हम उनको कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 3, तो यहाँ पर लिखिएगा 3, एंटर। अब रेट, और हम सोच लेते हैं कि हम उनको 20,000 में सेल कर रहे हैं, आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका ऑफकोर्स सेल्स, आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। और देखिए ऑटोमेटिकली वो लेजर का स्क्रीन ओपन हो चुका है क्योंकि हमने अभी तक वो क्रिएट किया नहीं है सेल्स का लेजर, यहाँ पर लिखिए सेल्स एंड एंटर, और आपका ये अंडर तक पहुँचना है और ये होगा सेल्स, और आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है, एंड और कुछ है क्या, नहीं, और आपको एंटर करते हुए इसे ये नो कर दीजिए, ये न्यू रेफरेंस ऑफकोर्स उनको दे रहे हैं, वन ही दे देते हैं, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो देखिए हमने जो हमारा जो टोटल कॉस्ट आया है एक CPU बनाने का, सबको वेज देने के, सबको सबका पेमेंट करने के बाद जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे वो था शायद 8,200 समथिंग, और हम उनको सेल कर रहे हैं 20,000 में, तो हमारा एक एक CP में प्रॉफिट कितना रह रहा है, 12,000 का 12,000 या 11,800 या 900 समथिंग, राइट, यस। आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है, नहीं, ये आप नो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए किसको सेल कर रहे हैं, PC वर्ल्ड को सेल कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर लिखिएगा PC वर्ल्ड, Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए, देन आपको एंटर करते हुए ये अंडर होगा आपका सन्ड्री डेटर्स, सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर, और आपको कंट्रोल प्रेस करना है, फिर से कंट्रोल प्रेस करना है, फिर से कंट्रोल प्रेस करना है। और देखिए वो हमसे कितने CPU खरीद रहे हैं, 8 pieces, तो लिखिए यहाँ पर 8 CPU, एंटर, फिर से एंटर प्रेस करना है और ये लिखिए 8। और आपको तो पता ही है जो हमसे ज़्यादा में सामान खरीदते हैं, जो हमसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे उनको हम उनका पर पीस में हम जो उनको चार्ज करने वाला है वो थोड़ा बेसिकली कम रहता है, जनरली कम रहता है, ये नियम है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 15,000, सोच लीजिए 5,000 कम करके ले रहे हैं 15,000, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है, ये नो कर दीजिए, ये सेकेंड है, ऑफकोर्स, देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब हमें पेमेंट, ये नो कर दीजिए, अब हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है किससे, पहले देखिए हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है PC वर्ल्ड से, अभी रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा F6 पेमेंट जो हम रिसीव करते हैं वो क्या है, हमारे लिए इनकम है, और इनकम रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसीव वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखिएगा
सोच लेते हैं कि हमें बैंक में पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखिए बैंक SBI, पर किससे मिल रहा है? पीसी वर्ल्ड PC, और देखिए आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। कितना हम उनसे पाते हैं? 1,20,000, लिख दीजिए 1,20,000। ये होगा अगेंस्ट रेफरेंस, ये रेफरेंस नंबर 2, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल लेकर के ऑटो एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर से आपको एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। किससे हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है? वो जयप्रकाश से नहीं मिला है, और उनको हम रेफरेंस नंबर 1 दिए थे, राइट? यस, जयप्रकाश जो है वे हमें देखिए 1 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए 1. यहाँ पर F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए 1.7, 1 जुलाई को वो हमें पेमेंट कर रहे हैं। पर हमें उनको सेल किया कब किया था? 1 जून में, राइट? यस, आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखिएगा कैश। कैश से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है? जयप्रकाश, जय, एंटर। कितना हम उनसे पाते हैं? यहाँ पर देखिए 60,000, तो यहाँ पर लिखिए 60,000। आपको ये हुआ अगेंस्ट रेफरेंस, और देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 आ जाएगा, राइट? यस, आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। तो इतना ही हमारे ट्रांजैक्शंस का पार्ट था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल कितने स्टॉक्स अवेलेबल है और कितने हमने सेल किया है। आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करना है, फिर से एस्केप की प्रेस करना है, देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये स्टॉक समरी तक पहुंचना है, एंड एंटर। और देखिए ये हमारा स्टॉक समरी है। तो पहले देखिए ये सब हमें देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल्स है। देन हमें सिलेक्ट कर लेना है CPU, क्योंकि हमने इसको प्रोड्यूस किया था, एंटर। और देखिए इनवर्ट्स, इनवर्ट्स मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया है, कितना प्रोड्यूस किए थे हम? आपको अगर याद हो 15 पीसेस हमने प्रोड्यूस किया था, और राइट, तो यहाँ पर 15 पीस दिखा रहा है। एंड देन हमने जो सेल किया है 11 पीस हमने सेल कर दिया, आउटवर्ड्स मतलब हम 15 में से 11 हम बेच दिए हैं, और अभी हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 4 पीसेस। 11 किसको कितना बेचे हैं इस पर आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। और देखिए हमने जयप्रकाश को सेल्स किया था, वाउचर नंबर 1 उनको बिल इशू किया था, और उनको 3 पीस हमने सेल किया था। और जो देन नीचे देखिए जो पीसी वर्ल्ड है उनको हम वाउचर नंबर 2 दिए थे बिल नंबर में, और उनको 8 पीसेस हम सेल किए थे। और अभी हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 4। पहले कितना था हमारे पास? पहले जो ओपनिंग था वो है 15 पीसेस, और जिसमें से हमने 11 सेल कर दिया है, और बाकी जितने अभी हमारे पास हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं वो है ओनली 4। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। लाइक एंड शेयर जरूर करें, इसमें तो कंजूसी ना करो। अच्छा, और एक बात, आपको तो पता है कोई अगर कंपनी के अंडर में काम करता है देन उनको वो फ्री में तो उनको काम करवा नहीं सकते, तो उनके लिए वो कंपनी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसे हम सैलरी कहते हैं। ये जो सैलरी उनको जो आप प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस जो है उसे पेरोल कहते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल के लिए। अगर आप ये पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं देन मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।